बल्लभगढ़ से ये बड़ी खबर है। नेशनल राजमार्ग पर कांवड़ियों ने जाम लगाया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा और कांवड़ियों को समझाकर जाम खुलवाया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोबाइल चोरी होने व्यवस्था को लेकर नाराज थे कांवड़िए और कांवड़ियों ने सुरक्षा और बढ़ाने की मांग की है। कांवड़ियों को समझाकर रास्ता खुलवाया गया। मोबाइल चोरी होने और व्यवस्था को लेकर तमाम तरह की शिकायतें कांवड़ियों की ओर से की जा रही थी, जिसके चलते कांवड़ियों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे राजमार्ग पर कांवड़ियों ने जाम लगाया और कांवड़ियों को समझाकर इस जाम को खुलवाया गया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बल्लभगढ़ से, जहां पर नेशनल राजमार्ग पर कांवड़ियों की ओर से जाम लगाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस बल पहुंचा। के लिए जा रहे हैं हम हरियाणा में, जब से इंटर हुए हैं हम देख रहे हैं प्रशासन की भोलों की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है, ना उनको भोलों को साथ पीसीआर वगैरह चलती है। इकट्ठे अगर भोले होते हैं तो पीसीआर चलती है, पहले हमारे साथ चलती थी, अब की और देखा प्रशासन हमारी हेल्प नहीं कर रहा कहीं भी। हम आ रहे थे, भीड़ हो रही थी ज़्यादा, हम माइक से अपने माइक से अपना रास्ता बना रहे थे और मिलने जुलने वाले आ गए तो वहाँ कांवड़ डीजे बज रहा था, दर्शन करते हैं डीजे बज रहा था हमारा, तो इतने में ही सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। भोले के पास खड़ा था कोई बंदा चोर, उसने फोन निकाल लिया हमारा। वो पुलिस चौकी के सामने, पुलिस चौकी के जस्ट सामने बस स्टैंड पे, बस जस्ट सामने। प्रशासन का एक भी बंदा नहीं था, ये कांवड़ ला रहे हैं, कोई इनसे छुप जाएगा, कोई जल खराब हो जाएगा, जल खंडित हो जाएगा। खड़े हुए थे हम, आश्रम से चले हैं, आश्रम से हमें कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कोई भी हमें ये नहीं कि अगर कोई हमारे साथ खंडित हो जाए, किसी के साथ हमारा, किसी का साथ हमारे साथ दुर्घटना घट जाए, कोई पुलिस का हमारे साथ नहीं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे बड़ी खबर।